हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मूलानुपाती सूत्र तथा अड़ सूत्र की गणना करना सीखेंगे। हम जानते हैं मूलानुपाती सूत्र में किसी यौगिक में जो तत्व उपस्थित होते हैं उनके परमाणुओं के बीच का जो सरलतम अनुपात होता है उसको हम बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र, जबकि अड़ सूत्र में जो वास्तविक संख्या होती है परमाणुओं की वही हम सीधे लिख देते हैं। ठीक है, तो अड़ सूत्र और मूलानुपाती सूत्र में क्या संबंध है आप देख सकते हैं। अड़ सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र गुणे n, ठीक है, जहाँ पे n जो है वो एक फैक्टर है ये होता है जिसका मान अड़ भार बटा मूलानुपाती सूत्र भार। इसी प्रकार दूसरा एक सूत्र है अड़ सूत्र बराबर n गुणे वाष्प घनत्व। ठीक है, तो ये चीज़ें आगे आएंगी हम लोग देखेंगे। तो एक सवाल लेते हैं, सवाल देखिए आपको सॉल्व कैसे करना है, बेसिकली यही बड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो वो हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे है क्या, एक कोई कार्बनिक यौगिक है, उस कार्बनिक यौगिक में 40% कार्बन, 6.67% हाइड्रोजन और बाकी का जो प्रतिशत है वो किसका है, ऑक्सीजन का। तो बाकी का जो प्रतिशत हुआ वो क्या हुआ, ऑक्सीजन का 53.33% हो गया। अब कह रहा है कि यदि यौगिक का अणुभार 30 ग्राम हो तो इसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करिए। ठीक है, तो अब मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए क्या काम करते हैं, देखिए सबसे पहले तो ये एक टेबल बन जाएगी जिसमें पहले कॉलम में तत्व लिखेंगे, दूसरे कॉलम में परमाणु भार, तीसरे में प्रतिशत उपस्थिति, चौथे में मोल की सापेक्षिक संख्या, पाँचवें में सरलतम मोलर अनुपात और फिर लास्ट में पूर्ण संख्या अनुपात। तो सबसे पहले तत्व वाले कॉलम में जो जो आपको तत्व दिए गए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये लिख लिया जो आपके कार्बनिक यौगिक में उपस्थित हैं। फिर उनके परमाणु भार, कार्बन का परमाणु भार 12 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, इनकी प्रतिशत उपस्थिति लिख ली आ जाए। ये क्वेश्चन में दिया गया है 40%, 6.67%, 53.33%। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद जो अगली कॉलम है उसमें हम लोग एंट्री करते हैं। कैसे करते हैं, मोल की सापेक्षिक संख्या में करना क्या होता है, जो प्रतिशत उपस्थिति दी रहेगी किसी भी तत्व की उसे उसके मोलर द्रव्यमान से भाग कर देना है। ठीक है, देखिए ये प्रतिशत उपस्थिति कितनी थी, कार्बन की 40 थी, इसका मोलर भार 12 था तो 40/12 कर दिया, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.33। ठीक है, इसी क्रम में अगर आपको हाइड्रोजन के सापेक्षिक मोलों की संख्या निकालनी है तो हाइड्रोजन की प्रतिशत उपस्थिति 6.67/1 कितना आ गया, 6.67। फिर लास्ट में ऑक्सीजन की प्रतिशत उपस्थिति 53.33 और मोलर भार 16, तो ये कितना आ गया, 3.33। क्लियर है, ये आपको मोलों की सापेक्षिक संख्या मिल गई, मतलब रिलेटिव कितने मोल्स हैं, एक के सापेक्ष कितने हैं, कितने गुना हैं, कितने गुना कम हैं, कितने गुना ज़्यादा हैं, ये निकालना होता है। अच्छा, सरलतम मोलर अनुपात में क्या करना होता है, इस कॉलम को भरने के लिए ये जो तीन एंट्रीज आई हैं 1, 2, 3, इसमें सबसे छोटा नंबर आपको टिक करना होता है। तो सबसे छोटा नंबर देख रहे हैं ये है और ये है, ठीक ना, तो करना कुछ नहीं है। अब जो सबसे छोटा नंबर है उसी से आप हर एंट्री में डिवीज़न कर दीजिए, ये आ गया 1, जैसे ये सबसे छोटा नंबर था तो इसका डिवीज़न इसी से करेंगे। फिर ये नंबर जो आया है 6.67/3.33, ठीक है, तो अब ये जो सापेक्षिक मोलों की संख्या थी उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 3.33, क्योंकि ये जो सापेक्षिक मोलों की संख्या थी उसमें जो सबसे छोटा एंट्री आया था उससे हमको डिवीज़न करना होता है। तो देखिए यहाँ पे लगभग आ जाएगा 2, जस्ट दुगना है, और फिर यहाँ पे 3.33/3.33, ये आगे वैल्यू 1। ठीक है, अब यही जो यहाँ पे आया है सरलतम मोलर अनुपात इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, ठीक है, अब देखते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितनी अनुपात कितना है, कार्बन का 1 अनुपात है, हाइड्रोजन का 2 अनुपात है, ऑक्सीजन का 1 अनुपात है।
तो जो मूलानुपाती सूत्र बना, मूलानुपाती सूत्र जो बना वो क्या हो जाएगा, C1H2 और ये O, ये आपका हो गया मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, अब आपसे कहा है कि आप अणुसूत्र की भी गणना कीजिए, तो अणुसूत्र निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए कि n का मान निकालिए, स्मॉल n, यहाँ पे जो n है ना इसका हमको मान यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो n का मान कैसे निकलेगा, देखिए अणुभार कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 30 ग्राम, ये अणुभार कितना दिया गया है, 30 ग्राम दिया गया है। ठीक है, और मूलानुपाती सूत्र जो निकला है इसका भी भार आप निकालिए, तो एक कार्बन का 12, दो हाइड्रोजन का 2 और एक ऑक्सीजन का 16, तो ये कितना आ गया, 16 2 18 12 30, 30 ग्राम ये भी हो गया, तो ये n का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब अणुसूत्र क्या हो जाएगा, अणुसूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र गुणे n, तो मूलानुपाती सूत्र हमारा है C1H2O1। ठीक है, ये आप इसमें 1 से गुणा कर दें तो आपका अणुसूत्र वही रह जाएगा C1H2O1, यही आपका मूलानुपाती सूत्र भी हो जाएगा और यही आपका अणुसूत्र भी हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।